ओके, तो इस सेशन के अंदर हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कवर करते हैं और इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अंदर हम यूज करने वाले हैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक। सही है, ट्राई कैच का भी मैं जो है यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एक स्कैनर क्लास बनाऊंगा। स्कैनर स्कैन इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू स्कैनर। इसके अंदर हम सिस्टम से इनपुट लेने वाले हैं और वी हैव टू इम्पोर्ट स्कैनर क्लास, यहाँ पे आके इम्पोर्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे आके आपको करना ये है कि एक इंटीजर ए का वेरिएबल बना देते हैं या बी का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे जो है स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो मैंने यूजर से वैल्यू ली और आपका ये स्कैनर क्लास जो है वो क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए मैं इसको यहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं, किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, और वही यूजर से वैल्यू लेके किसको साइन कर रहा हूं, बी को। समझ में आया। और एक दूसरा वेरिएबल यहां पे बना देता हूं जो यहीं पे होगा, इंटीजर ए है जिसको मैं वैल्यू दे रहा हूं 12, या चले ये भी यूजर से ही मांग लेते हैं। सही हो गया। तो यहां पे हम आते हैं और कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मैं दोनों वेरिएबल किससे मांग रहा हूं, यूजर से। सही है। अब सबसे पहले मैं यूजर को यहां पे मैसेज दिखाऊंगा कि प्लीज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर के एंटर वैल्यू फॉर ए, ए के लिए वैल्यू इंसर्ट करें और यहां पे आके, ठीक है, और यहां पे हम कहेंगे कि वैल्यू इंसर्ट करें किसके लिए, डी के लिए। समझ में आया। तो मैं पहले ए की वैल्यू लेके ए को साइन कर रहा हूं, फिर बी की वैल्यू लेके किसको साइन कर रहा हूं, बी को साइन कर रहा हूं। और मैं यहां पे एक ब्लॉक बनाने वाला हूं जिसे आप कहते हो ट्राई और कैच, ट्राई और कैच। अभी एक्चुअली होते क्या है, व्हाई वी यूज ट्राई कैच, मैं समझाने वाला हूं क्यों बनाते हैं। देखें, आपको जो लग रहा है कि यार इस चीज में एक्सेप्शन हो सकती है, समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी आपकी मकसद लाइन ऑफ कोड है जिनके अंदर आपको लग रहा है कि यार एक्सेप्शन आ सकती है, किसी भी टाइप की एक्सेप्शन, तो उस कोड को जिसमें आपको शक है कि एक्सेप्शन आ सकती है, उस कोड को कहां पे रखेंगे, ट्राई के अंदर। कहां पे रखेंगे, ट्राई के अंदर। और उसी ट्राई के अंदर जो आप कोड रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा कि इंटीजर सी सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, अभी एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है। और यहीं पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर जो है इस सी को प्रिंट भी करवा देता हूं। सी को क्या करवा देता हूं, प्रिंट करवा देता हूं। तो मैंने क्या किया, जो ए यूजर से मांगा है, बी भी यूजर से मांगा है, और मैं यहां पे आके सी के अंदर उनकी डिवीजन को जो है असाइन कर रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि यूजर कभी भी पॉसिबल है कि बी की वैल्यू जीरो दे दे, और बी की वैल्यू जैसे ही जीरो देगा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी इनफिनाइट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां पे आके क्या करता हूं कि ठीक, अच्छा इनफिनाइट नहीं कहते, इन्फिनिटी कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, तो यहां पे आके आपको क्या करना है कि अब इस ट्राई के अंदर आपको लग रहा है कि यार कोई एक्सेप्शन आ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, कैच के अंदर इसको कैच कर लूंगा, कैच के अंदर इसको कैच कर लूंगा। चले देख लें एक्सेप्शन किस टाइप की आ रहा है, बाद में इसको ट्राई कैच दे रहे हैं। सही है, मैं पहले इसको हटा देता हूं। अभी ये नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं कोड, सिंपल, अभी तक ना हमने कोई एक्सेप्शन की है, सॉरी, ना कोई हैंडलिंग की है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, देख लें। अब यूजर आपसे सबसे पहले वैल्यू मांगेगा, राइट, इसको एग्जीक्यूट होने दें। ठीक है, यूजर कह रहा है कि प्लीज एंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर ए, मैं यहां पे वैल्यू दे देता हूं 12। अब वो आपसे दूसरी वैल्यू मांग रहा है, मैं दे रहा हूं देखें 12, तो उसने डिवाइड करके आपको 1 आउटपुट दे दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यूजर को आपने फर्स्ट वैल्यू दे दी 12 और दूसरी वैल्यू दे दी 0, दूसरी वैल्यू क्या दे दी, जीरो, तो अब क्या आ रहा है, एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन इन थ्रेड। कौन सी थ्रेड के अंदर, मेन थ्रेड के अंदर, कि मेन मेथड के अंदर एक एक्सेप्शन आई है, और वो एक्सेप्शन आपकी क्या है, आपने डिवाइड किया है जीरो के साथ। किसके साथ डिवाइड किया है, जीरो के साथ। और ये आपकी एक्सेप्शन कौन सी है, देखो ये आपकी कहलाती है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन है, ये
अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, सही है। अब इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे, अब आपको क्या करना है कि आपको लग रहा है यार इसमें एक्सेप्शन आ रही है, तो मैं क्या करूंगा इसको रख दूंगा ट्राई के अंदर, और यहां पे आके केच के अंदर हम इस क्लास को रख देंगे। कौन से क्लास को? इस क्लास को। अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या करना है देख लें। अब अगर मैं इसकी हायरची आपको दिखाऊं, तो इसकी हायरची कुछ ऐसे थी कि अगर आप यहां पे आ जाए देखें, ये देखें आपके पास ये जो एक्सेप्शन थी इसके अंदर क्या आ रहा है, रन टाइम एक्सेप्शन आ रही है। तो आपकी ये रन टाइम एक्सेप्शन है कौन सी, जो आपके पास अभी आ रही है, जिसको आप अर्थमेटिक एक्सेप्शन कह रहे हो। कौन सी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। देखो रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर यहां पे शो हो रही है क्लास अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो ये आपके पास एक्सटेंड कर रही है कौन से क्लास से, रन टाइम एक्सेप्शन से, सही है। और आपकी इसी रन टाइम एक्सेप्शन से जो है फिर आपकी एक्सटेंड हो रहा है बहुत सारे क्लासेस है ना, लेकिन ये खुद कहां से हो रहा है, एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन कहां से हो रहा है, थ्रोएबल क्लास है, और थ्रोएबल कहां से हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। समझ में आया? और ये सारे जो पढ़े लिंक पैकेज के अंदर पढ़े, जावा डॉट लिंक पैकेज के अंदर, सही है। अब आपको करना क्या है कि यहां पे आके जैसे ही एक्सेप्शन आई, ट्राई के अंदर एक्सेप्शन जो आने वाली है वो रख दी हमने, और उसके बाद हमने क्या किया उसको यहां पे आके हैंडल करना है। हैंडल कर क्यों रहे हैं, हैंडल करने की वजह क्या है देखें। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको हैंडल नहीं किया, ट्राई भी नहीं दिया, कैच भी नहीं दिया, अब आपकी यहां पे एक्सेप्शन आ रही है ना, तो अगर मैं यहां पे आके कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूं, ठीक है, अली अहमद, ये दो स्टेटमेंट मैंने दी है, सही है, तो आपका यहां पे क्या हुआ, एक्सेप्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने वैल्यू दे दी फर्स्ट की कौन सी 12 दे दी, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू दे दी 0, तो एक्सेप्शन आ रही है। अब देखें जिस लाइन पे एक्सेप्शन आई, उस एक्सेप्शन के बाद आपकी ये टू लाइंस ऑफ कोड नहीं चली, ये चली नहीं चली ना, तो उसने क्या किया, प्रोग्राम का जो फ्लो चल रहा था, एग्जीक्यूशन का फ्लो, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम चलता है, तो उस आपके प्रोग्राम के फ्लो को रोक दिया, सही है। तो आपके इसी प्रोग्राम के फ्लो को अगर नहीं रोकना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा कि बाकी जो कोड है कम से कम वो तो चले, सही है, चले, वो लाइन नहीं चल रही इट्स ओके, लेकिन पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक लाइन पे भी अगर कोड आ गया तो पूरी एप्लीकेशन रुक जाएगी, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पे आके क्या कर दूंगा, जिस लाइन ऑफ कोड के अंदर आपके पास एक्सेप्शन आने वाली है उसको ट्राई के अंदर रखेंगे, और आपको कैच के अंदर उसको कैच कर लेना है, सही है। कैच के अंदर जैसे इफ और एल्स होता है ना, वैसे यहां पे ट्राई है, और वैसे ही आपके पास क्या है, यहां पे कैच है। समझ में आया? अब आपको करना क्या है कि यहां पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक क्लास है ना, ये उसका मैंने यहां पे रेफरेंस वेरिएबल बना दिया। क्या बना दिया? रेफरेंस वेरिएबल। आप वैसे जब बनाते हो इंटीजर है तो वो क्या होता है, प्रिमिटिव वेरिएबल होता है ना, सही है। वैसे मैं क्लास का एक समझ लो वेरिएबल बना रहा हूं, जो आपको यहां पे एज अ ऑब्जेक्ट जो है ट्रीट कर रहा है, क्लियर। अब मुझे यहां पे आके क्या करना है, अब मैं यहां पे आके चाहूं तो अपना मैसेज भी शो करवाना चाहूं तो करवा सकता हूं, लेकिन अगर आप चाहें ऐसे ही तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए आपने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू दे दी यहां पे 12, अब मैं दूसरी वैल्यू 0 दे रहा हूं, अब देखिएगा क्या हुआ, एक्सेप्शन हैंडल होगी, लेकिन अभी कोई आपके पास क्या हुआ, मैसेज शो नहीं हुआ। तो आप क्या करो, सिंपल आके यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन के अंदर आप अपना मैसेज भी शो कर सकते हो, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 इन जावा, कि जावा के अंदर हम डिवाइड बाय 0 नहीं कर सकते। अब देखें फिर से मैं वैल्यू मांग रहा हूं यूजर से, और मैं यहां पे 12 और अब 0 दे रहा हूं, अब देखें क्या आ रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 इन जावा। समझ में आ रहा है? अब ये मैसेज जो आप खुद दे रहे हो कहां पे दे रहे हो, कैच के अंदर, हैंडल करने के बाद, सही है। ट्राई जिसके अंदर आपका कोड वो जो जिसके अंदर एरर आने वाला या एक्सेप्शन आने वाली है, और कैच के अंदर आप उसको हैंडल करते हो, और जो आपके पास इस लाइन पे जैसे ही आपके पास क्या आया, एक्सेप्शन आई, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट इसने किसको भेज दी, कैच को भेज दी, किसको भेज दी, वो कैच को,
सही है, वो एज अ ऑब्जेक्ट इससे ले रहा है। देखो मैंने यहां पे क्या बनाया, क्या बनाया, ई एज अ ऑब्जेक्ट है ना, सही है। तो आपका यहां पे ये जो एरर आ रहा है, सॉरी एक्सेप्शन आ रही है, इस एक्सेप्शन को एज ऑब्जेक्ट ये ट्राई भेज रहा है किसकी तरफ, केच की तरफ, और केच उसको एज अ जैसे बॉल केच करते हैं ना, ऐसे ही केच करके हैंडल कर रहा है। समझ में आया? अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि जावा के अंदर हर एक्सेप्शन के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, तो अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद से नहीं लिखना मैसेज, जावा के जो भी मैसेज है वो दे दें, तो आपका ये जो वेरिएबल है ना ई, इसको बस यहां पे दे दो। अब अगर मैं इसको चलाता हूं, देखें तो मैं यहां पे वैल्यू देता हूं, ए की वैल्यू देते हैं 12, बी की वैल्यू देता हूं मैं 0, इंसर्ट करते हैं, तो देखें जावा का खुद का एक मैसेज आ रहा है, आपने डिवाइड किया 0 के साथ, क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और नेक्स्ट के अंदर हम कुछ और पढ़ते हैं।